हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि जानते हैं, आज नाग पंचमी का शुभ दिन है, तो नाग पंचमी के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और क्या बहुत लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते होंगे कि नाग पंचमी आखिर क्यों मनाई जाती है ना, नाग पंचमी के पीछे का रहस्य क्या है? तो आज मैं इसकी कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। जो अर्जुन थे, श्री कृष्ण जिनके सारथी बने थे महाभारत में, उनके पौत्र का नाम था राजा परीक्षित। पुत्र नहीं, पौत्र का नाम था राजा परीक्षित। और राजा परीक्षित के जो पुत्र थे उनका नाम था राजा जनमेजय। तो जब जनमेजय को ये पता चला कि उनके पिता की मृत्यु सर्पदंश के कारण हुई है, तो उनके अंदर एक प्रकार का प्रतिशोध जाग उठा नागों के प्रति और सभी सर्प जाति के प्रति। तो उन्होंने आस्तिक मुनि को बुलाकर एक यज्ञ करने की ठानी और उन्होंने सोचा कि समस्त नागों का, समस्त सांपों का इस विश्व से हम सफाया ही कर देंगे, इस संसार से उनका खात्मा कर देंगे। इसीलिए उन्होंने सर्प सत्र नाम के यज्ञ का प्रारंभ किया। तो आस्तिक मुनि जो कि इस यज्ञ को कर रहे थे, तो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को उन्होंने इस यज्ञ को रोक दिया ताकि नाग जाति की रक्षा हो सके। तो उन्होंने उस दिन इस यज्ञ को रोक दिया जिससे तक्षक नाग बच गया, और तक्षक नाग के बचने की वजह से नाग वंश बचा रह गया दुनिया में। तो ये इसकी कहानी थी। और आग से बचाने के लिए उस नाग पे आस्तिक मुनि ने कच्चा दूध डाला, जिसकी वजह से नाग पंचमी मनाई जाती है। इसीलिए आज के दिन जो नाग देवता की पूजा करते हैं या उन पे आग से बचाने के लिए उन्हें उन पे कच्चा दूध अर्पित करते हैं, उनको डालते हैं, उन पे नाग देवता काफ़ी प्रसन्न होते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो नाग पंचमी की पूरी कथा ये थी। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा बहुत लोगों में। और थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।